टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी सुसाइड केस में हर दिन कुछ न कुछ खुलासे हो रहे हैं। अब इस एक्ट्रेस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद उनकी प्रेगनेंसी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जेजे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बताया कि प्रत्यूषा बैनर्जी प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर्स ने बताया कि ऐसी आशंका है कि सुसाइड से कुछ दिन पहले ही प्रत्यूषा ने अबॉर्शन कराया हो। इस रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि प्रत्यूषा कुछ ही दिन पहले या महीने भर पहले प्रेग्नेंट हुई थी। रिपोर्ट से पता चला है कि फॉयटल सेल की प्री मेच्योर डेथ हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि प्रत्यूषा के यूट्रस में भी घाव थे, जो कि किसी मिसकैरेज या प्रेगनेंसी हटाने के समय होती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बच्चे का पिता कौन है ये साबित करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि टिश्यूज मौजूद नहीं है या जो हटाए गए वो भी मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में डीएनए टेस्ट कराना चुनौतीपूर्ण होगा। बता दें कि बालिका वधु के नाम से मशहूर प्रत्यूषा बैनर्जी ने 1 अप्रैल को पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। इस मामले में प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज को आरोपी बनाया गया है।